तो सेल का समय ऑलमोस्ट आ चुका है, साल का सबसे बड़ा सेल फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 23 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है ऑफिशियली। तो आज मैं आपको उन डिवाइसेस का लिस्ट देने वाला हूँ जिन डिवाइसेस को आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, इन डिवाइसेस से आपको जितना दूर हो सके उतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो बिना किसी देरी से, मेरा नाम है शुभांकर बैनर्जी, आप लोग मुझे सनी के नाम से जानते हो। चलिए वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले किसकी बात कर रहे हैं, आईक्यू की बात कर ले। तो आईक्यू का अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को पता होगा आईक्यू Z7 बोल के एक स्मार्टफोन आया था, कमाल का स्मार्टफोन था डायमेंसिटी 920 का प्रोसेसर के साथ। लेकिन इसको अचानक से रात रात फ्लिपकार्ट में चेंज कर दिया गया आईक्यू Z7S के साथ। तो अगर आपको आईक्यू का स्मार्टफोन खरीदना है कम रेंज में कमाल का स्मार्टफोन, तो आईक्यू Z7 खरीदना, Z7S बिल्कुल भी मत खरीदना। अमेजोन पे जाओगे तो आपको Z7S मिलेगा, Z7 आपको अमेजोन पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको Z7 खरीदना है आईक्यू का ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाओ, अगर स्टॉक पे रहा आपका लक अच्छा रहा आईक्यू Z7 मिल जाएगा, लेकिन गलती से भी आईक्यू Z7S पे मत जाना। दूसरे नंबर पर मैं आपको जो स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, नया स्मार्टफोन है, कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है। स्मार्टफोन का नाम है वीवो V29e। देखने में फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि पीछे का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, आपको कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन क्या करोगे, इस फोन का स्नैपड्रैगन 695 मिलता है आपको 25-26-27 हज़ार के रेंज पे, क्या करोगे? क्यों लॉन्च किया भाई वीवो आप लोगों ने इस फ़ोन को, क्या देख के लॉन्च किया? इस रेंज पर आपका वीवो V27 मिलता है, इतना अच्छा फ़ोन है, क्यों इसको लॉन्च किया? आपका वीवो V29 आपको इस रेंज में मिल जाएगा बिग बिलियन डेज पे, इससे कम रेंज में भी मिल सकता है। तो वीवो V29e को बिल्कुल भी स्किप कीजिए, भले ही नया फ़ोन हो इस फोन को मत लीजिए। तीसरे नंबर पर अभी हम लोग आते हैं गूगल के डिवाइसेस पे। गूगल पिक्सल 6 से आपको बिग बिलियन डेज के सेल पे 20-23 हज़ार रुपये का मिल जाएगा, 24 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। और पिक्सल 7a भी आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन मेरी मानो, अगर आपको लगता है कि गूगल का पिक्सल फोन एकदम बढ़िया फोटोग्राफी के लिए है, तो ऐसा नहीं है भाई। उसका गूगल का जो टेंसर का प्रोसेसर है गड़बड़ है, प्रोसेसर में हीटिंग इश्यूज काफ़ी है। तो गूगल का पिक्सल सीरीज आप स्किप कर दो, इसके जगह आपको काफ़ी दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन्स हैं, लिस्ट में लेके आऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लिस्ट बहुत जल्दी आ जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना है। अब इतने सारे स्मार्टफोन्स की हम लोग बात करें तो नथिंग की क्यों ना बात कर ले। तो नथिंग फोन 1 जो है आपको 25 हज़ार रुपये के नीचे के रेंज पे भी मिल सकता है फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज पे, या फिर 26-27 का तो मिल ही जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37 या 38 हज़ार रुपीज़ का फ़ोन है। लेकिन अगर आपका प्लानिंग है नथिंग फ़ोन 2 खरीदने का, भाई मत लो, क्यों लोगे? आपको उस रेंज पर आईफोन 13 मिल जाएगा, आईफोन 14 मिल जाएगा बिना कार्ड डिस्काउंट लगा के। मैं मेरा लेटेस्ट शॉट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको डिटेल्स पता चल जाएगा सारे आईफोन्स को जो डिस्काउंट मैंने बताया है जो आने वाला है फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के सेल पे। बोलते बोलते मेरे मुँह में दर्द हो गया, मुँह का दर्द ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को पता नहीं तो मेरा लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, मेरे ऊपर मर्डर का अटेम्प्ट हुआ था, तो उसके वजह से मेरा ये जो फेस है दर्द है, क्या ही कर सकते हैं, यहाँ का पुलिस तो कोई काम का है नहीं। हम लोग बात करें सैमसंग के बारे में, तो सैमसंग का आपको याद रखना है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE, ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? अगर आपको सैमसंग का बढ़िया फ़ोन चाहिए तो इसके जगह पे आप लोग सैमसंग का S21 FE ले सकते हो। एक्जिनोस वाला एडिशन लेना, स्नैपड्रैगन वाला एडिशन मत लो, वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। या फिर सैमसंग का A34 5G ले लो, डायमेंसिटी 1080 का प्रोसेसर है, कमाल का फ़ोन है। आपको नॉर्मली तो 25-26 हज़ार रुपये का मिल ही जाएगा ऑफलाइन स्टोर्स पे, सेल पे आपको 22-23 हज़ार रुपये का आराम से आ जाएगा। तो सैमसंग का अगर फ़ोन लेना है तो ये दोनों फ़ोन्स लो, S20 FE आपको 20 हज़ार रुपये का मिलेगा सेल के टाइम पे, मत लेना, फ़ोन काफ़ी अपडेटेड हो चुका है। तो अगला जो फ़ोन है आपको नहीं लेना है वो है मोटरोला की तरफ से Moto G62 5G। ये फ़ोन पिछले साल आया था और वैसे तो फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, कम प्राइस है इसका, सेल में और भी कम प्राइस हो जाएगा इसका। लेकिन मोटरोला का जो अपडेट पॉलिसी है उसके अनुसार आपको 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 3 साल का सिक्योरिटी पैचेस अपडेट मिलेगा, इसलिए मैं ये फ़ोन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, 1 साल ऑलरेडी बीत चुका है। इसके जगह पे आप ले सकते हो मोटरोला का Moto G54 5G, अभी लेटेस्टली लॉन्च हुआ है 2-4 दिन पहले, तो वो फ़ोन आप कंसिडर बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन Moto G62 5G अगर आपको लेना है तो वो फ़ोन अभी आप मत लो, इट्स अ टोटल स्किप। अब मोटरोला की बात कर ले तो रियलमी और रेडमी को कैसे भूल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रियलमी पे आता हूँ। रियलमी का आपको 10 सीरीज का कोई भी फ़ोन हो, चाहे वो 10 Pro 10 Pro Plus कोई भी हो, आपको वो सारे फ़ोन स्किप करना है, ये सारे फ़ोन आपको नहीं लेना है। अगर आपको रियलमी का जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है Realme 11 5G, वो फ़ोन भी मत लो, वो फ़ोन भी आपके लिए सही नहीं रहेगा। हालांकि अगर आपको सेल के टाइम पे वो 15 हज़ार के नीचे के रेंज पे मिल जाता है, कुछ 13 हज़ार 13.5-14 हज़ार रुपये में, तब आप उसको कंसिडर कर सकते हो। वरना अगर आपको रियलमी का फ़ोन लेना है या तो Realme 11X ले लो, वो जो भी नया आया है Realme 11 5G के साथ, या फिर Realme 11 Pro ले लेना, Realme 11 Pro Plus कुछ ज़्यादा ही महंगा हो जाता है।
हालांकि आपको वो डिस्काउंट पे बहुत कम रेट पे मिल जाएगा, 22-23 हज़ार का वो भी फ़ोन आ जाएगा, या फिर उससे भी कम में हो सकता है। लेकिन रियलमी 11 प्रो प्लस की जगह काफ़ी सारे बेटर ऑप्शंस है जो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो रियलमी 11 प्रो प्लस और रियलमी 10 सीरीज़ और रियलमी 11, ये टोटल स्किप है, इन सारे फ़ोन्स को मत लेना। रियलमी का फ़ोन लेना है तो रियलमी 11X ले सकते हो, कम रेंज में सही रहेगा, या फिर रियलमी 11 प्रो लेना है। और रेडमी का अगर हम लोग बात करें तो रेडमी का जो 12 सीरीज आया था, नोट 12 प्रो और नोट 12 प्रो प्लस, भूल जाओ, बिल्कुल भी मत लो, काफ़ी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है उस इन दोनों फ़ोन्स के अलावा। हाँ, अगर आपको रेडमी का ही फ़ोन लेना है तो आप रेडमी नोट 12 ले सकते हो, या फिर रेडमी 12 जो ले सकते हो, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था अगस्त के स्टार्टिंग के टाइम पे। तो ये दोनों फ़ोन्स आप रेडमी के ले सकते हो, लेकिन अगर आपको रेडमी के नोट 12 प्रो या फिर नोट 12 प्रो प्लस लेना है तो बिल्कुल भी मत लो, ये दोनों फ़ोन्स को आप स्किप कर दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस लिस्ट में अब लोग वन प्लस की तरफ में आते हैं, वन प्लस फैंस के लिए। तो अगर आपको वन प्लस का डिवाइस चाहिए तो OnePlus Nord CE 3 Lite, ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसका जगह आपको मैंने बोल दिया पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग पे, IQ Z7 ले लेना, बढ़िया फ़ोन रहेगा। OnePlus का Nord CE 3 Lite बिल्कुल भी नहीं लेना है, OnePlus Nord 3 भी नहीं लेना है, भले ही उसमें अच्छा प्रोसेसर हो, MediaTek Dimensity का 8000 सीरीज़ का समथिंग कुछ प्रोसेसर है, नहीं लेना। उसका कैमरे क्वालिटी उतना भी सही नहीं है, और भी काफ़ी सारे नेगेटिव्स है उस फ़ोन पे। तो अगर आपको OnePlus का ही फ़ोन लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा OnePlus Nord CE 3 ले लो, कुछ 25 हज़ार का ये फ़ोन है। अभी आपको जो अमेज़ॉन पे जो सेल आएगा उसमें आपको ये 23 हज़ार रुपये का आराम से मिल जाएगा, 22-23 हज़ार रुपये का। तो अगर आपको बस OnePlus का ही डिवाइस चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा OnePlus Nord CE 3 ले लो, लेकिन OnePlus Nord CE 3 Lite और OnePlus Nord 3 इन दोनों को डेफिनेटली स्किप कर दो। तो यही थे मेरे कुछ पॉपुलर डिवाइसेस के लिस्ट, जो ये जो डिवाइसेस मैंने आपको सब सब बताया जो आपको नहीं खरीदना है। ये काफ़ी सारे पॉपुलर डिवाइसेस हैं, काफ़ी सारे फेमस डिवाइसेस हैं, लोग इन डिवाइसेस के लिए पागल हो गए हैं, लेकिन इन डिवाइसेस को आपको नहीं खरीदना है। ये डिवाइसेस आपको सेल के टाइम पे भले वैल्यू फॉर मनी लगे, लेकिन बाद में आपको पछतावा होगा। कौन कौन से डिवाइसेस खरीदने हैं इनके लिस्ट भी मैं बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगा मेरे चैनल पे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बहुत ही जल्दी नया वीडियो आ जाएगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो आपको सेल पे खरीदना चाहिए।